हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शेफाली एंड कैसे हैं आप सब। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम आए हैं बहुत ही यूनिक डोसा खाने के लिए। मतलब वहाँ पे बहुत सारे तरीके के डोसा मिलते हैं, बट अभी हम कुछ प्लान नहीं कर रहे हमें कौन सा डोसा खाना है, बट मटकी डोसा तो ज़रूर ट्राई करना है। तो गाइस चलिए चलते हैं, हम आए हैं अय्यर जी डोसे वाले। सो गाइस, इसको ढूंढने में ना हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, गूगल पे भी गलत लोकेशन आई है, बट मैं आपको एकदम सही लोकेशन बताऊंगी। तो गाइस लोकेशन की बात करें तो सामने हमारे रामलीला मैदान है, और अगर आप लेफ्ट में देखेंगे ना तो यहाँ एक गोल चक्कर है, सामने मंदिर है, सामने जूस वाला है, एंड जो ये है अय्यर डोसे वाले, इसके साइड में ही वीर जी चाप है। तो आप इनमें से कोई भी लोकेशन चूज करके यहाँ आ सकते हैं, बट आप गूगल की लोकेशन से मत आइएगा, गलत जगह पहुँचेंगे जैसे कि मैं पहुँची थी। तो बहुत देर के बाद मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ के यूनिक डोसा कैसे है, और मैं आपको मेकिंग भी दिखाऊंगी। मेकिंग यहाँ की बड़ी यूनिक है, जैसे कि आपको मैंने अभी दिखाया इंट्रो से पहले। सो गाइस चलिए चलते हैं, धूम मचाते हैं और यहाँ के डोसा खाते हैं, देखते हैं डोसा कैसे है यहाँ के, जितना यूनिक दिख रहा है उतना है या नहीं है। तो मुझे ये किसी ने सजेस्ट करी थी वीडियो, तो मैं किसी के सजेशन पर ही आई हूँ, बट मैं ये देखना चाहती हूँ जितनी इसकी हाइप है ये उतना टेस्टी है या नहीं, ये उतना अच्छा है या नहीं। तो गाइस चलिए चलते। ये देखिए, आपने ये ऐसा डोसा कहीं नहीं देखा होगा, मतलब मैंने तो कहीं नहीं देखा दिल्ली में। ये है मटकी डोसा, तो नॉर्मल डोसे की तरह ही बनाया है, बट इसकी फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। मतलब ऐसा लग रहा था मुझे इसे पनीर मखनी बन रहा है डोसे के ऊपर, और इसकी जो मेकिंग थी वाह वाह, वो तो इतनी मस्त थी ना। अभी आपको मैं इसको टेस्ट करके बताऊँगी इसका टेस्ट, एंड देन आपको मेकिंग दिखाऊँगी, आप एकदम हैरान रह जाएंगे इसकी मेकिंग देख के। सो गाइस चलिए चलते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो पनीर मखनी लग रहा है। इतनी क्रीम, इतना बटर है ना इस सब्जी में, सब्जी नहीं सॉरी फिलिंग, मेरे मुंह से वही निकले जा रहा है। ये देखिए गाइस, इन्होंने इतना ज़्यादा अमूल बटर, क्रीम, चीज़ इतनी अच्छी तरीके से, और इतना पनीर डाला है ना कि टेस्ट बहुत बढ़िया। अब हम सांभर के साथ टेस्ट करेंगे। सांभर भी बहुत बहुत टेस्टी है, और जो डोसा है, डोसा भी मुझे हर जगह का पसंद नहीं आता, बहुत क्रिस्पी और ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा मोटा भी नहीं है इसका। एकदम कहते हैं ना रिच, एकदम रिच डोसा है ये, मतलब इतने अच्छे तरीके से ये बना है, और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा है हमें, मतलब सारी सब्जियाँ इसके अंदर डाली है, प्याज टमाटर, इसकी मेकिंग देखिए गाइस, आप फैन हो जाएंगे इस डोसे के। तो चलिए चलिए अब इसकी मेकिंग देखते हैं। सो गाइज़ हमारा पिज़्ज़ा तैयार है, ओह सॉरी डोसा। सो गाइज़ ये डोसा है जो कि आपको दिख रहा होगा पिज़्ज़े की तरह, एकदम सेम जैसे पिज़्ज़ा बनता है वैसी है, बट ये बेक नहीं हुआ है, इसे तवे पे बनाया गया है। ये देखिए डोसा है, मतलब जैसे पिज़्ज़ा का बेस होता है, तो इसका बेस
डोसा है, और जैसे कि पिज्ज़ा में होता है कॉर्न, टमाटो, अनियन और क्या था, ऑलिव, पनीर और बहुत सारी चीज़, बटर, मतलब सब इसमें मिलाया गया है। सो और जो चटनी उसमें यूज़ हुई थी ना मटकी डोसे में, वही चटनी इसमें भी यूज़ हुई है। मेकिंग थोड़ी बहुत सेम है बट अलग तरीके का डोसा है। तो अब देखते हैं, मटकी डोसा तो मुझे बहुत अच्छा लगा बट ये पिज़्ज़ा डोसा कैसा है। कितना अजीब लग रहा है ना डोसे को, ओ सॉरी पिज़्ज़ा को सांभर में डालने में। अच्छा है, ऐसा लग रहा है जैसे पिज़्ज़े का बेस ना हो, सिर्फ पिज़्ज़ा की फिलिंग हो, सॉरी टॉपिंग। और टेस्ट अच्छा आ रहा है, थोड़ा सा स्पाइसी है, कॉर्न थोड़ा मीठा फ्लेवर दे रहा है। नाइस, मुझे पसंद आया ये पिज़्ज़ा डोसा। अब मैं इसे खाती हूँ और आप इसकी वो देखिए मेकिंग, इतना मज़ा आएगा ना आपको देखने में इसकी मेकिंग। इतना सुंदर लग रहा था ये पिज़्ज़े जैसा, एकदम पिज़्ज़े से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब पिज़्ज़ा में तो इतना सारा मैदा और इतनी कैलोरीज होती है बट डोसे में कम है। अगर आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं तो आप डोमिनोज छोड़ के आप यहाँ का पिज़्ज़ा खा सकते हैं, थोड़ा हेल्दी है। थोड़ा क्या, बहुत इतनी सारी वेजेस डाली है। आप मेकिंग देखिए, उसमें आपको पता चलेगा। तो गाइज़ ये रहा हमारा राजा रानी डोसा। पहले मेरे को समझ नहीं आया था इसका नाम राजा रानी डोसा क्यों है, तो इसका ये राजा है, ये रानी है, ठीक है, और ये शायद प्रजा है, ऐसा कुछ होगा। सो गाइज़ इसकी जो मेकिंग थी ना वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। मतलब इसमें राजा रानी है तो ऑब्वियसली इन्होंने यहाँ पर उसको रॉयल दिखाने के लिए ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, काजू, किशमिश, बादाम, मैंने देखा नहीं, आप मेकिंग में अच्छे से देख लेना, इसके बाद मैं आपको मेकिंग भी ज़रूर से दिखाऊँगी। और इतनी क्रिएटिविटी करी है ना उन भैया ने बनाने में, मतलब मैं हैट्स ऑफ दूंगी उनको कि वो इतने सारे डोसे अलग अलग टाइप के कैसे इतने डिज़ाइनर बना रहे हैं। किसी को मटकी में डाल रहे हैं, किसी का पिज़्ज़ा बना रहे हैं, किसी की पूरी एम्पायर सा बना दिया किसी का। और ये जो इसकी फिलिंग है ये रोल की तरह लग रहा है, इसमें जो इन्होंने बनाया है ना वो सारा इसके अंदर फिल करा है। तो अभी हम ये जो रोल है डोसे का वो खा के देखेंगे। तो ये शायद मैं रानी को खा रही हूँ, इसके साथ ये चेरी भी है, इसको मैं हटा देती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। सो गाइज अब हम इसे टेस्ट करते हैं, आपको टेस्ट बताती हूँ, देन उसके बाद मैं आपको मेकिंग दिखाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा है ये रोल, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग है ना, किशमिश है उसका मीठा मीठा टेस्ट, थोड़ा सा स्पाइसी, वेजिटेबल्स भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, पनीर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ही हमें, अब सांभर के साथ टेस्ट करते हैं। यहाँ के डोसे इतने ज़्यादा यूनिक है, और डोसे के लिए जो चीज़ फेमस होती है ना सांभर, उसे कोई कोई खा ही नहीं रहा। मैंने तो इतने बार सांभर छोड़ दिया है डोसे के चक्कर में, कोई नहीं अब तुझे खाऊंगी। सांभर के साथ खाने में भी बहुत अलग टेस्ट आ रहा है। एंड देन
जिनको डोसा पसंद होता है ना उन्हें ये चटनी सच में बहुत पसंद होती है। पता नहीं मैं इस डोसे को इतनी बार टेस्ट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एक बार में टेस्ट समझ में ही नहीं आ रहा, हर बाइट में एक अलग अच्छा टेस्ट आ रहा है। सो गाइस ये था राजा रानी डोसा। होप सो आपको गाइस ये यूनिक डोसा पसंद आए होंगे, मतलब आपके खुद मुंह में पानी आ गया होगा, क्योंकि जब मैंने ये देखा था ना बनते हुए तो मेरे मुंह में इतना पानी आया था। सो गाइस मैंने यहाँ के सिर्फ 3 डोसे खाए हैं, बाकी बहुत सारे डोसे हैं। मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा, डोसे इतने सारे हैं, देखिएगा ये 3 लाइन यहाँ पर इन डोसे की है, फैंसी डोसा और मैसूर डोसा, मसाला डोसा, पेपर डोसा और बाकी ये उत्पम है। कुछ कुछ मेनली जो डोसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, नायलॉन पेपर, एक चॉकलेट चीज़ पेपर, ये मेरा खाने का मन है, नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ज़रूर खाऊँगी, बॉडी बिस्किट पेपर, पुदीना प्लेन, शेजवान चीज़ मसाला डोसा, ग्वालियर मसाला डोसा, बॉम्बे मसाला डोसा, अमेरिकन चीज़ पनीर डोसा, अचारी, मतलब इतने सारे हैं यहाँ पर तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, 10 मिनट तो आपको ये पूरा मेन्यू पढ़ने में ही लगेगा। सो गाइस मुझे यहाँ के डोसा जेन्युइनली बहुत अच्छे लगे, मैं एकदम हाईली रिकमेंड करूँगी आपको कि आप अगर डोसा खाना पसंद करते हैं या आप ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। और गाइस अगर मैं बात करूँ इन 3 डोसे की, तो सबसे ज़्यादा ना मुझे मटकी डोसा पसंद आया, क्योंकि जो उसकी फीलिंग थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और सेकंड मैं ये बोलूँगी कि ये वाला डोसा सेकंड नंबर पे है मेरे लिए, थर्ड पे रखने का मन नहीं है ना, फर्स्ट सेकंड में किसी को दे सकती, पिज्जे को लास्ट में रखने का मेरा मन नहीं कर रहा, तो तीनों ही डोसा मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सांभर को बहुत ज़्यादा इग्नोर करा गया है, लेकिन सांभर बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया चटनी सांभर, मतलब किसी भी चीज़ की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, सब कुछ बहुत अच्छा था। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, बिना मत जाइएगा, अगर आप आए हैं वीडियो देख रहे हैं और सीधे देख के चले जाएं ऐसा मत करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए, न्यू वीडियो तभी आपको पता चलेगा। गाइस अगर हम वैरायटी की बात करें ना, तो यहाँ 150+ डोसा है, तो मेरे को लगता है कभी पूरी लाइफ में भी 150 डोसे कौन ट्राई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो मतलब मैंने ऐसा सोचा था कितने डोसे हैं और भी अगर हम लोग खाना चाहें, तो यहाँ पर 150+ डोसा है, मतलब 150 ऐसे हैं जो इसमें प्रिंट है, बाकी इसमें प्रिंट भी नहीं है कुछ कुछ डोसा, जैसे मटकी डोसा इतना फेमस है लेकिन इनके मेन्यू में नहीं है। सो इतने सारे डोसे हैं, आप यहाँ पर ज़रूर आइए ट्राई करें, मैंने 3 ट्राई करे तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सारे ही डोसा बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बाकी मैंने ये 3 ट्राई करे तो मैं बाकियों का कह नहीं सकती। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे प्लीज़ लोकेशन और जो भी फूड आइटम्स है ना या मार्केट है मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में। सो गाइस अब आपके 3 काम है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अगर आपका मन करे तो आपको चौथा काम करना है, ये कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।